वहीं बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई जारी है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राजभवन में रिश्तेदारों को नौकरी देने के टीएमसी के आरोपों का जवाब देते हुए इसे गलत बताया है। बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई जारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के लगाए उन आरोपों का खंडन किया है, जिसमें मोइत्रा ने राजभवन में जगदीप धनखड़ के फैमिली के मेंबरों को नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था से ध्यान हटाने के लिए टीएमसी इस तरह के आरोप लगा रही है। इसके बाद बंगाल में नई लड़ाई देखने को मिल रही है। राजभवन में अपने 3 रिश्तेदारों को नौकरी देने के आरोपों का पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने खंडन किया है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने गवर्नर पर ये आरोप लगाए थे, जिस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया है। राज्यपाल धनखड़ ने आज ट्वीट किया कि आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। राज्यपाल ने कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है, इसके अलावा 4 लोग तो उनकी जाति के ही नहीं हैं। राज्यपाल ने लिखा, महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट और मीडिया में बयान कि पर्सनल में स्टाफ में 6 लोगों की जो नियुक्ति हुई है वे मेरे रिश्तेदार हैं, पूरी तरीके से गलत है। ओएसडी 3 अलग अलग राज्यों के हैं और 4 अलग अलग जातियों से आते हैं, इनमें से कोई भी मेरे परिवार का नहीं है, यहाँ तक कि 4 तो मेरे राज्य और जाति के ही नहीं हैं। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल धनखड़ पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने अपने 3 रिश्तेदारों को ही राजभवन में ओएसडी के तौर पर नियुक्ति दी है। इसके अलावा राजभवन के अधिकारियों के 3 करीबियों को जगह दी गई है। महुआ मोइत्रा के आरोपों पर जवाब देते हुए राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि टीएमसी सांसद ने इस तरह का बयान इसलिए दिया है ताकि राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से ध्यान हटाया जा सके। राज्यपाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता बनर्जी के शासन में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से ध्यान हटाने की ये रणनीति है। मैं संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत ली गई शपथ के अनुसार राज्य के हितों के लिए काम करता रहूंगा। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने कहा था कि यदि राज्यपाल अपने परिवार के साथ बंगाल से चले जाएं तो स्थिति सुधर जाएगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2019 में बंगाल के राज्यपाल के तौर पर पदभार संभाला था, तब से ही टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्तों में अनबन रही है। टीएमसी नेताओं की ओर से कई बार राज्यपाल पर बीजेपी का एजेंट होने और भेदभाव बरतने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। वहीं गवर्नर बंगाल में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और चुनावी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार की कई बार आलोचना कर चुके हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि वो चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने में असफल रही हैं। यही नहीं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी से कहा था कि वो सोमवार को आकर उनसे मुलाकात करे ताकि राजनीतिक हिंसा से पैदा हालातों पर चर्चा की जा सके। गवर्नर के ट्वीट के बाद ही महुआ मोइत्रा ने उन पर हमला बोला था। जाहिर है बंगाल की राजनीतिक लड़ाई में नए नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी बनाम टीएमसी की इस लड़ाई में इससे पहले शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर तिरपाल चोरी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इसके बाद कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर राज्यपाल की ओर से जवाब तलब किया गया था और अब राजभवन में नियुक्तियों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।